हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर नॉलेज में। तो हम आ चुके हैं आज एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MPPAT की जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं, यानी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको MPPAT काउंसलिंग के लिए ज़रूरी है। इनके बिना आप काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते, यानी कि आप काउंसलिंग में एलिजिबल नहीं हैं अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट नहीं हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा डॉक्यूमेंट है, तो फर्स्ट हमको चाहिए MPPAT का रिजल्ट, यानी कि जो स्कोर कार्ड आपका अभी रिजल्ट आया है देन वो चाहिए। उसकी आपको चाहिए 3 कलर फोटोकॉपी, देन आपको चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट। अगर आपकी 12th की मार्कशीट नहीं है तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। इनकी भी आपको 3 कलर फोटोकॉपी चाहिए, और जाति प्रमाण पत्र यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट, इसकी भी आपको 3 कलर फोटोकॉपी चाहिए। जैसा भी आपका उसकी फोटोकॉपी चाहिए, इसकी 3। जो OBC वाले हैं उनका होता है कास्ट सर्टिफिकेट, इसके आपको पता ही है OBC वालों का, SC वालों का और ST वालों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। इनको जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, उसके लिए इनका जाति प्रमाण पत्र लगता है, और EWS वाला EWS भी लगता है, जिनका जनरल वालों को जिनका EWS है उनका EWS लगेगा। तो EWS आपको रिन्यू करवाना होता है, वो आपको पता ही है कि हर साल रिन्यू होता है, तो आप उसको रिन्यू करवा लें। नेक्स्ट इसके बाद हमारा लगता है आय प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र। आय प्रमाण पत्र अगर आपका है तो अच्छी बात है, वरना आपके पिताजी का भी चल जाएगा। देन स्थायी निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसियल सर्टिफिकेट, ये भी अगर आपका हो तो ठीक है, वरना आपके पिताजी का चल जाएगा। इनकी भी आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए। देन यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि किसकी कलर फोटोकॉपी चाहिए, किसकी नॉर्मल फोटोकॉपी चाहिए और कितनी फोटोकॉपी चाहिए, तो आप इस पर देख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा है चरित्र प्रमाण पत्र यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो आपको आपके स्कूल से मिलेगा, तो इसका भी नहीं है वो अपने स्कूल में जाकर वहाँ से ले सकते हैं। इसकी भी आपको 3 कलर फोटोकॉपी चाहिए, 3 फोटोकॉपी चाहिए। देन उसके बाद समग्र आईडी, जो कि आपकी होगी परिवार की समग्र आईडी, वही आपकी लगती है समग्र आईडी। फिर आपका एक आधार कार्ड की भी 3 फोटोकॉपी, समग्र आईडी की भी 3 फोटोकॉपी, और आपको जो मेडिकल सर्टिफिकेट ये आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनेगा, जो भी आपकी तहसील लेवल पे जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो आपके नज़दीक वहाँ से आपको बन जाएगा। इसमें आपका ब्लड ग्रुप भी चेक होता है, कुछ नहीं, थोड़ा सा समय लगता है, आप एक ही दिन में आपका ये सब काम हो जाता है, तो आप कुछ दिन पहले ही काउंसलिंग की बनवा लें, अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी बनवाना चाहें तो बनवा सकते हैं, लेकिन मेबल आपको काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 3-4 दिन पहले ही आप बनवा लें तो कोई दिक्कत नहीं। इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए। देन उसके बाद आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन, जो कि आपको स्कूल से आपको मिले होंगे जब आप TC लेने गए होंगे, तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और माइग्रेशन दोनों मिलते हैं, तो इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी चाहिए। और नेक्स्ट हमारा है गैप सर्टिफिकेट, यदि आपने गैप किया हो, यानी कि आपकी PAT की तैयारी करने के लिए आपने ड्रॉप लिया हो सकता है किसी ने 1 साल का लिया, किसी ने 2 साल का, तो उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। यदि आपकी 12th जस्ट अभी 2022 में हुई है तो आपको गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। जिनकी भी 2021 में हुई थी और 20 में हुई थी, उनका गैप सर्टिफिकेट लगेगा, जैसे उनको मालूम है, ये आप तहसील में जाकर बनवा सकती हैं। तो इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी लगेगी। देन आपको लगेगी बैंक पासबुक, इसकी भी आपको 3 फोटोकॉपी लगेंगी, और आपको ओरिजिनल भी ले जानी पड़ेगी, क्योंकि बैंक पासबुक आपको पता ही होगा स्कॉलरशिप आएगी तो आपके बैंक खाते में ही आएगी। तो यहाँ पर हमारे ये होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। तो जितने भी आपके ये डॉक्यूमेंट हैं,
इन सब की आपको तीन तीन फोटोकॉपी करवा लेनी है एंड देन ओरिजिनल, यानी कि आपको इन सब के तीन सेट बनाने में फोटोकॉपी वाले और एक बनाना है आपको ओरिजिनल सेट, तो ये आपके लगेंगे काउंसलिंग के लिए। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो एक फ़ोटोकॉपी वाला सेट और देन एक ओरिजिनल वाला सेट आपको वहाँ ले जाना पड़ेगा। तो एक आपका जो फोटोकॉपी वाला सेट है वो आपका कॉलेज में ही जमा हो जाता है, देन ओरिजिनल वो आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे ही आपको जब आपका कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कॉलेज में भी ले जाने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट का सेट। तो आप यहाँ पर तीन डॉक्यूमेंट तीन सेट आप बना लीजिए जो कि आपके फोटोकॉपी वाले होंगे और देन एक आपका ओरिजिनल वाला सेट होगा। इन सब के अलावा जो आपने MPPET का फॉर्म फिल करते समय आपने जो फ़ोटो लगाई थी कि जो आपकी फ़ोटो एप्लीकेशन फॉर्म में है, जो आपके एडमिट कार्ड में है, जो आपके स्कोर कार्ड में है, वही सेम फ़ोटो आपको कॉलेज में भी लगी, तो देन वो फ़ोटो भी आपको निकलवा लें। तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो जो इतने डॉक्यूमेंट है 14 डॉक्यूमेंट ये आपको चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। देन हम इसके बाद बात करने वाले हैं अलॉटमेंट के बाद एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कॉलेज ले जाने होंगे। तो हमारा फर्स्ट है कॉलेज अलॉटमेंट लेटर। तो जब आप काउंसलिंग करवाएंगे तो आपको पता ही काउंसलिंग की प्रोसेस, पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है, देन उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, चॉइस फिलिंग के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, देन उसके बाद आपको अलॉटमेंट लेटर आते हैं। तो जो आपको अलॉटमेंट लेटर आएगा तो वो अलॉटमेंट लेटर चाहिए, उसकी आपको तीन फोटोकॉपी लेकर लगवानी है, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप। यानी कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिस भी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप मिलेगी, देन इसको आपको संभाल कर रखनी है, इसकी भी आपको तीन फोटोकॉपी लगेंगी, देन सीट लॉक स्लिप। यानी कि जब आप कॉलेज अलॉट हो जाता है तो उसके बाद सीट लॉक करने के लिए आपको 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं क्रिप्स ऑनलाइन की वेबसाइट पर, तो इससे आपकी सीट लॉक हो जाती है। तो देन इसकी भी आपको स्लिप चाहिए, इसकी आपको तीन फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद आपका जो रैगिंग ना करनी है तो शपथ प्रमाण पत्र जो कि आपको कॉलेज में फिल किया जाता है, तो ये आपको वहीं पर करना होता है फिल, ये भी देना होता है। तो ये थे हमारे एडमिशन के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कि आपको कॉलेज में लगते हैं। तो आपका इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम MPPET के रिगार्डिंग जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है उसको हम टाइम टू टाइम लाते रहते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप उसको कमेंट करके हम बता सकते हैं, हम उसी टॉपिक पर आपको वीडियो लाएंगे। आज की वीडियो में तो इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। Peace.